ऑल राइट, कैसा है? आई होप बच्चे होंगे, फिट होंगे, फाइट होंगे, हेल्दी होंगे। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हकीकत बाय नैज फ्रॉम हिज रीसेंट ईपी जो अभी लॉन्च नहीं हुई है, जिसकी रिलीज है कल 18th को। कल हम पूरी ईपी को सुनेंगे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा देना। हकीकत ट्रैक को हम रिएक्ट करते हैं, लेट्स गो, लेट्स जंप इनटू इट। ओके, सी वीडियो की स्टार्टिंग में ना जो कलर ग्रेड देखा ना, बहुत ही अच्छा ऑटम वाली वाइब लग रही है। येलो स्टोन पे प्यार भरा मतलब लग रहा है बड़ा, तो आगे देखते हैं मास अपील की तरफ से। हाँ, कल जो पूरी ईपी आएगी वो मास अपील की तरफ से आएगी। सो या नारना नाना म्यूजिक K28, ओके K28 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 नारना ना नारना Yeah. मैं चला हूँ रास्ते पे तेरे दिल लगी के सारे ख्वाब लेके, अकेला मुसाफिर ठहरा मैं तेरे गली के बीच चौराहे पे, तू मुझको राह दे, मैं भटका जो तेरे साए से, जाने ये चांद सितारे क्यों तेरी करते मुझे सिफारिशें, खिलाफ हो के मेरी याद तूने गुन। बहुत यूनिक साउंड कर रहा है, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। एंड नैज का ये वाला रूप देखना इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दोबारा से भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा। नारना ना नारना ये yeah. मैं चला हूँ रास्ते पे तेरी दिल लगी के सारे ख्वाब लेके, अकेला मुसाफिर ठहरा मैं तेरे गली के बीच चौराहे पे, तू मुझको राह दे, मैं भटका जो तेरे साए से, जाने ये चांद सितारे क्यों तेरी करते मुझे सिफारिशे, खिलाफ होके मेरी याद तूने गुनेगार किया, तेरी चाहतों ने कोरे कागजों पे गिरे अश्क तो खत पूरा हो गया, उदास होके तेरी यादों में लेटे रहता मैं काली रातों में, तेरी कांटों से गहरी बातों ने दिल पे वार कर दिया, कैसे ये दिन। व्हाट अ इंटरेस्टिंग राइमिंग पैटर्न यूज करने जा रहे हैं इस पे, और बहुत ही सी एक आप म्यूजिक वीडियो जब देख रहे हो ना, तो इट्स लाइक अ रील, आपने रील देखा होगा ना, जब रील एडिट करते हैं बहुत सारे, आपने लिरिकल स्टेटस देखे होंगे आजकल, तो जब एक रील एक लाइन आती है उसके बाद एक अलग ट्रांजिशन आके एक अलग बैकग्राउंड जाता है, सेम वही यूज करा गया है कि जैसे तुमने तेरी कांटों से गहरी बातों ने दिल पे वार कर दिया, चेंज हो जाएगा। कैसे ये दिन ढले, कैसी ये सुबह हुई है, कैसे ये फासले, ऐसी क्या खता हुई है, कैसी ये मंजिले, कैसे है ये रास्ते। आई डोंट नो RIB का मतलब, मैंने इतना ज्यादा मैं इसको भी ध्यान नहीं दिया, बट RIB का मतलब अगर तुम्हें पता होगा जो गले में लॉकेट पहने, तो बताना जरूर उसका। कैसी ये जंजीरे, ऐसी क्या सजा के तू सपनों में आके मेरे, कह दे मुझे क्या मैं करूँ, दिल भी मेरी मानता नहीं के तू आरज़ू जगा के मेरी आदतें खराब करे, फिर भी क्यों मैं जानता नहीं के तू सपनों में है, तू सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी, के तू सपनों। He is trying melodic bro, nice one, really cool. एक जो हमने मैज देखा था बाकासुर वाला, from that to this, एक funny मैज से अब एक 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 emotional, एक romantic मैज, एक heartbroken मैज को सुनना in his bathroom singer EP, really cool with melodic flow, भाई crazy. पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी, के तू सपनों में है मेरे सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी, के तू सपनों में है, तू सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी, के तू सपनों में है मेरे सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी। फ्रॉम हिज बियर्ड पार्ट ना भाई, ये मुझे किंग की याद दिला रहा है, बहुत जगह बहुत जगह, यहाँ पर जैसे शीशे वाला एक सपनों में है मेरे सपनों, यहाँ पर तुम देखो अगर तुम बाल इग्नोर मारोगे ना, अगर तुम इतना पार्ट लेके घूमोगे, यू विल फील लाइक भाई किंग आ गया है। यहाँ पर देखो इससे पहले दिस पार्ट अगर हम नाक को भी इग्नोर करें, इट ही इज लुकिंग लाइक अ किंग ब्रो, ही इज लुकिंग लाइक किंग, किंग रॉको, अगर तुम किंग सोचो वो बादशाह वाला किंग नहीं, किंग। हकीकत में क्यों नहीं मेरी, के तू सपनों में है मेरे सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी। आ रही है
मैं ढूंढू तुझे आज कल क्या है दिल में तेरे मुझसे बात कर या तू हाँ तो कर या फिर ना तो कर पर ना छोड़ा कर मुझे ऐसे हाल पर मैं क्या जिस दिन तू मेरी हो जाए तो पूरे शहर में खिला मिटाए दूं मैं दिल में वही उम्मीद के बीच जो प्यार से बूंदे सिंचाई तूने खाली किताब से जिंदगी लगे और ढूंढती मेरी सियाई तुझे या तो तू खुद को मिला दे मुझसे या खुद से दे दे रिहाई मुझे आंखें ये रोती है रात में मेरे दिमाग से तेरी वो यादें नहीं जाती लेता हूँ नहीं वाला हाथ ने पर मुझे बीती हुई तेरी बातें ही खाती गहरा ये दरिया इश्क का भरा मैं डूबाने को तेरी आगे ही काफी तू न रही इन हवाओं में तो मुझे चैन से भी अभी सांस नहीं आती गुजारिशों में है तू सिफारिशों में है तो क्यों आशिकी ये काम नहीं के तू ख्वाहिशों में है मेरी मंजिलों में है फिर क्यों रास्तों में शामिल नहीं। ब्रिज बहुत प्यारा बनाया गया है हर एक वर्ड का अगली राइमिंग में वर्ड के साथ रेफरेंस जोड़ा गया है जो कि इस सॉन्ग को और ज़्यादा प्यारा बना रहा है विच इज़ क्रेजी पार्ट। और एक जो लाइन थी कि जब तुम मिल जाएंगे तो मैं पूरे शहर में मिठाई बांटूंगा, भाई एक हर लड़के का ड्रीम होता है। एक ड्रीम क्या मतलब एक खुशी होती है विच इज़ अ क्रेजी पार्ट जो कि नैज ने अपने लिरिक्स में ऐड करा गया है। तू सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी के तू सपनों में है मेरे सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी के तू सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी के तू सपनों में है मेरे सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी। सी पूरे का पूरा म्यूजिक वीडियो में एक थीम रखा गया है विच इज ग्लूमी इफेक्ट येलो स्टोर में रखा गया है। तो ये जो लिरिक्स है ना भाई के उस पूरे लिरिक्स में भी ये दिखाया गया कि तू सपनों में है पर हकीकत में नहीं है एंड ऑल द सिनेमेटिक्स एंड ये जो सारे बैकग्राउंड जैसे ये अभी तुमने बैकग्राउंड देखा इन सब में लाइट ग्लो इफेक्ट अगर तुम यहाँ देख पाओ तो वो शोकेस कर रहा है कि लिरिक्स के साथ चीज़ें मैच हो रही है कि तू सपनों में है एक ड्रीमी इफेक्ट बनाया गया है देन उसके बाद तू हकीकत में नहीं हकीकत में बाहर जो अगर कोई इफेक्ट आएगा तो बताऊंगा मैं वो जो बाहर आंगन का एरिया है वो दिखाया गया है ये पूरा ड्रीमी इफेक्ट दिया गया है। Naz is going to propose her in his dream. Damn, भाई बहुत सही बनाया है म्यूजिक वीडियो बोल रही है देखो ये वाला जो पार्ट था म्यूजिक वीडियो बोल रही है मैं पहले ही बोल दिया था इफेक्ट बहुत प्यारे डाले गए हैं भाई इसमें बहुत प्यारे कलर ग्रेडिंग करी गई है एज अ वीडियो एडिटर मैं जानता हूँ दैट इज वाई। बाकी Naz की तरफ से ये प्रोजेक्ट आना वेरी इंटरेस्टिंग मेरे को आगे सुनना है भाई अगर ऐसे सॉन्ग्स हैं देखो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्यार भरे सॉन्ग दुख भरे सॉन्ग और प्यार दुख दोनों ले लो भाई आप जितने भी रोमांटिक टाइप के सॉन्ग होते हैं सब मेरे को पसंद है भाई भले ही जिंदगी में ऐसा कुछ ना हो रहा हो फिर भी पसंद है। तो लेट्स सी क्या लेकर आते हैं Naz अब एंड या हकीकत व्हाट अ ट्रैक मैं सुनूंगा इसे दो तीन बारी तो जरूर सुनूंगा क्योंकि देखो हर एक ट्रैक को ना जब तुम दो तीन बारी सुनते हो तब तुम्हें डाइजेस्ट होता है वो मैं भी अभी पहली बार रिएक्शन में उतना नहीं बता पाऊंगा जितना तुम दो तीन बारी सुन के मैं और अच्छी तरह से तुम्हें अपना ओवरव्यू दे सकूँ सॉन्ग का। तो दैट्स इट कैसी लगी आपको ये वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सब्सक्राइब कर देना कल पूरी EP का रिएक्शन आ जाएगा कल या परसों तक आ ही जाएगा। सो बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।